हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिविजन ऑफ कंटेंपरेरी पीरियड। तो आज मैं थानू कंटेंपरेरी पीरियड के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राइटर्स बारे रिवाइज करवावांगी और फुल डिटेल दे विच पूरा स्टडी करके मटीरियल जो मैं थानू एक्सप्लेन करवा रही हूँ। फर्स्ट और सैकेंड है जो लेंथी पार्ट्स ने और थानू बाद विच वीडियोज़ मैं अपलोड करांगी, इसलिए आप थर्ड तो स्टार्ट करते हैं अज। येस, दिस इज़ कंटेंपरेरी पीरियड। फर्स्ट इज़ फिलिप लार्किन, सेकेंड टेड हग्स, स्टीव स्मिथ, फोर्थ इज सैमस हैने जो आयरिश राइटर हैं, इवान बोलैंड, जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गोल्डिंग, डॉरिस लेसिंग, ग्राहम ग्रीन, सलमान रशदी, वी एस नायपाल एंड स्टीफन लीकॉक। देखो जी, इस तरह से ट्रिक्स के नाल भी इन्होंने लर्न कर सकते हैं PTSSEG। ठीक है, कंटेंपरेरी पीरियड नू इस वे दे नाल लर्न कर सकते हैं PTSSEG WDGSVS। ठीक है, इस वे दे नाल असीं इन्हां नू लर्न कर सकते हैं। सो नाउ लेट स्टार्ट। स्टीव स्मिथ, हाँ जी, 1902 दे विच इन्हां दा बर्थ होया और 1971 दे विच इन्हां दी डैथ हुई है। बर्थ होया हल इंग्लैंड दे विच। अमेरिकन इंग्लिश पोएट एंड नॉवलिस्ट, हर फुल नेम फ्लोरेंस मार्गरेट स्टीव स्मिथ। ये बहुत सारे एग्जाम्स के विच आया है क्वेश्चन, फ्लोरेंस मार्गरेट स्टीव स्मिथ रोट ओनली 3 नॉवल्स। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 3 नॉवल्स लिखे ने, सिर्फ इन्हों ही सानू लर्न करन दी लोड़ है। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर पोएम्स। ठीक है, नॉवल इन्होंने नॉवल ऑन येलो पेपर केप, ठीक है, 1936 के विच लिखा गया, ओवर द फ्रंटियर केप 1938, द हॉलीडे चैपमैन एंड हॉल 1949। इन्हां दी पोएट्री कलेक्शन है, अ गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल, टेंडर ओनली टू वन, मदर वट इज मैन, हेरोल्ड्स ली, नॉट वेविंग बट ड्रॉनिंग, द फ्रॉग प्रिंस, द बेस्ट बीट्स, टू इन वन, स्कॉर्पियन एंड अदर पोइम्स, कम ऑन कम बैक। इस तरह सानू लर्न करनियाँ बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि किस तरह असी नाम ने जड़े याद रखांगे, बट इस वे दे नाल असी ये नाम याद कर सकते हैं पोइम्स। ठीक है, इन्हां दे वर्क ने जो इन्हों की पोएट्री कलैक्शन है जो उन्होंने इस वे ना लर्न कर सकते हैं। एक टेंडर मदर से उसने पानी स्लीप किया और ड्रॉनिंग हो गई, उस तो बाद पानी विचों बीस फ्रॉग स्कॉर्पियन टू इन वन करके कम बैक आई या आई हैं। इस तरह की कलैक्शन असी लर्न कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने इन्हों के। ठीक है, स्टीव स्मिथ दे इस तो इलावा कोई भी होर पॉइंट मैनू नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, यही सारे पॉइंट्स के हूँ तक के प्रीवियस पेपर ने जो इन्होंने ही आया हो। इन्हों के कुछ होर वर्क्स भी है, कैट्स इन कलर, ही अगेन, अनकलैक्टड राइटिंग्स टू स्टीव स्मिथ, द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग, और प्रीवियस ईयर देखो 2016 और 17 दे विच आए थे, स्टीव स्मिथ इज़ नोन फॉर हर विटी एंड एनिग्मैटिक वर्सेस। ठीक है, नॉट विविंग बट ड्रॉनिंग इज़ अ कलैक्शन ऑफ पोइम्स बाय स्टीव स्मिथ। ठीक है जी, इन्हों का इंपॉर्टेंट वर्क्स ने जोड़े कि असी लर्न कर सकते। नैक्सट है सैमस हैने, आयरिश पोइट है, 1939 to 2013 तक। इन्हों का फुल नेम है जी सैमस जस्टिन हैनी, फुल नेम जरूर आंदा है। अगर तुम मैरिटोरियस पेपर देखो तो उन्होंने दे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते पे। इंपॉर्टेंट नोटेबल वर्कस ने इन्हों, डेथ ऑफ अ नैचुरलिस्ट, नॉर्थ, फील्ड वर्क, द स्पिरिट लैवल, ब्योवल्फ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल, ह्यूमन चेन। प्रीवियस ईयर इन्हों का आया हुआ जो सैमस एन इज एन आयरिश पोइट। ठीक है, इन्हों के वर्क नूं असीं इस तरह लर्न कर सकते हैं, एक नैचुरलिस्ट नॉर्थ विच फील्ड वर्क करता सी पूरी स्पिरिट नाल, उसने डिस्ट्रिक्ट विच सर्कल विच वल्फ रखे हुए सी, उन्हां दी पूरी चेन बनाई हुई सी। ठीक है जी, इस तरह इन्हों नूं असीं लर्न कर सकते हैं। नैक्सट इज फिफ्थ इवान बोलैंड, 1944 to 2020 लिविंग। ठीक है, आयरिश पोइट, ऑथर एंड प्रोफेसर, नोटेबल वर्क द लॉस्ट लैंड एन ओरिजिन लाइक वाटर, कलेक्टेड पोइम्स इन अ टाइम ऑफ वायलेंस, आउटसाइड हिस्ट्री, सिलेक्टेड पोइम्स, द जर्नी एंड अदर पोइम्स, नाइट फीड इन हर ओन इमेज। ठीक है जी, इन्हों के प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ इवान बोलैंड का, बट चांसिस बनते हैं कि इन्हों के कोई क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा। मैं अपनी इमेज लैके दसदी हाँ कि जो इंडिया अते पाकिस्तान की वंड हुई, हिस्टरी तो बाहर की गल दसदी हाँ, जो बहुत वायलेंस हो रही थी, ब्रिटिशर साड़ी लैंड भी लै गए, असी उत्थे जर्नी ते जाते होंगे सी ते नाइट टाइम उत्थे जाके फीड करते सी, बहुत वायलेंस वधी हुई सी, ते फिर
वो इंडिया तो वाटर की मंग करन लगे। ठीक है जी, ये है इवान बोलैंड। और नैक्सट इज जॉर्ज ऑरवेल, जो कि एक नॉवलिस्ट ने, बिलोंग्स टू मोतीहारी बिहार, ब्रिटिश इंडिया। हिज नेम एरिक अर्थर ब्लेयर। ही रोट 6 नॉवल्स, बर्मीज डेज, द क्लर्जीमैन्स डॉटर, कीप द एस्पिडेस्ट्रा फ्लाइंग, कमिंग अप फॉर एयर, एनिमल फार्म 1984। इन्ह वर्क्स नू असी लर्न कर सकते हैं 1984 विच बर्मीज डेज सी, क्लर्जीमैन दी डॉटर एयर फ्लाइंग कर रही सी, फ्लाइंग करते करते उसने एक एनिमल फार्म देखा। ठीक है जी, इन्हों इंपॉर्टेंट वर्क्स ने। एंड एसेज है इन्हों वाई आई राइट पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। प्रीवियस ईयर एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल इज ऑन द फेलियर ऑफ कम्यूनिस्ट आइडियल्स इन रशिया। ठीक है, एनिमल फार्म जो वर्क है इन्हों इस बेस पर है। इन हिज एसे वाई आई राइट जॉर्ज ऑरवेल डिक्लेयर दैट वट एवर ही रोट वॉज अगेंस्ट टोटलिटेरियनिज्म। द एसे पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंगुएज वॉज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, ये अपने लर्न किए हैं जो इन्हों वर्क उन्होंने ही है। बर्मीज डेज इज़ अ नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल। सो थैंक्स फ्रेंड, इस वे दे नाल, इस तरह ट्रिक्स दे नाल असी अपने सारे वर्क ने जो लर्न कर सकते हैं। अगर थानू वीडियोज़ पसंद आ रही ने तो प्लीज़ मैनू कमेंट करो ताकि मैं नैक्सट वीडियोज़ थोड़े लिए अपलोड कर सकाँ। और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स ने जिन्हों तो मैं आप तैयारी की सी और अच्छा स्कोर किया, नाउ इन गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।